हेलो जी, हेलो, क्या हाल है सबके। आज हम बात करेंगे भाई द मोस्ट पॉपुलर एसयूवी जिसका अभी फेसलिफ्ट आया है, टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट वर्जन जो BS6 वाली आई है। अभी इस टाइम पे BS6 पहले भी आ रही थी, ये सिर्फ जनरेशन चेंज नहीं है, सिर्फ एक फेसलिफ्ट किया है जिसमें एक थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स चेंज करी है, बाकी हाइट लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर और क्या इसका ऑन रोड प्राइस है, क्या इसका एक्स शोरूम प्राइस है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इसमें चेंज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका भाई एक्सटीरियर में इसमें भी जो जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर में दिया हुआ था, उसी तरीके से इसमें काफ़ी बड़ा टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। बाकी ग्रिल भी काफ़ी बड़ी कर दी है और सारी जो जितने भी जो भी ग्रिल है इसमें सारी पियानो ब्लैक फिनिश में दी हुई है, नीचे पियानो ब्लैक फिनिश नहीं मिली है। देखिए एक बार इसकी ना फ्रंट लुक देख लीजिए और एक तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इस बार DRLs बिल्कुल अलग है, पहले 3-4 LED ऊपर आते थे, अब इस बार DRLs बिल्कुल अलग है। लाइट काफ़ी सुंदर और स्लीक कर दी है। नीचे पार्किंग सेंसर जो अब की बार ऐड कर दिए, पहले नहीं आते थे। LED फॉग लैम्प्स मिल जाती है नीचे, यहाँ पे नॉर्मल LED लाइट्स है, लेजेंडर की तरह मैट्रिक्स में नहीं है, ये पार्किंग लाइट्स हैं नीचे। और बाकी हम बात करेंगे, इस तरफ भी एक पार्किंग सेंसर मिल जाता है, दो पार्किंग सेंसर इसमें आते हैं। और इस तरीके के कुछ इसके अलॉय व्हील्स हैं, इनका अलॉय व्हील्स का है 265/65R17, ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स है। बाकी ये लेजेंडर से बिल्कुल डिफरेंट अलॉय हैं, वो 18 इंचेस थे, ये 17 इंचेस है। बाकी कमेंट करके बताइए आपको लेजेंडर वाले अलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छे लगे या नॉर्मल फॉर्चुनर वाले। ये पहले भी यही आते थे, इनमें बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। बाकी इस तरीके से ORVMs मिल जाते हैं, नीचे फटल लैम्प मिल जाता है और ये क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बाकी साइड से तो यार चेंज है ही नहीं कुछ ज़्यादा, साइड से चेंज नहीं है सिर्फ अलॉयज को छोड़ के। और पीछे इस तरीके से इसमें लाइट्स चेंज कर दिए हैं। और जो इसमें रूफ है, रूफ में सनरूफ इसमें भी नहीं है, बट इसमें जो ब्लैक रूफ लेजेंडर में की हुई थी वो भी नहीं की हुई इसमें, ब्लैक रूफ इसमें नहीं है बिल्कुल भी। और इस तरीके से इसका कुछ लगता है पीछे से, बाकी साइड प्रोफाइल इस तरीके से लगती है कुछ। और इसमें डीजल इंजन भी आता है, इसमें पेट्रोल इंजन भी आता है। बाकी लेजेंडर में सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक में आता है, वो भी 4x2, इसमें 4x2 भी आता है, इसमें 4x4 भी आता है। चलिए अब हम इसके इंटीरियर की बात करेंगे। इंटीरियर की तो पहले देखेंगे की इसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन। की का डिज़ाइन दोनों लेजेंडर का और इसका दोनों का बिल्कुल सेम है, और इस तरीके की है ये, बूट ओपन का है ऑटोमेटिक इस तरीके से। यहाँ से की अगर आपके पास होगी, आप इसे रिक्वेस्ट सेंसर को क्लिक करेंगे तो ये आपकी गाड़ी ओपन हो जाएगी। और इस तरफ देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में इस तरीके से कुछ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ये लेदर रैप्ड में है। बाकी इस तरीके से ट्विटर्स हैं, ये DRVM ORVM ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए है, ये उन्हें एडजस्ट करने के लिए है, ये लॉक अनलॉक का है। और सारी पावर विंडोज और वन टच अप वन टच डाउन है। और लेदर फिनिश इसकी वो मिल जाती है, इसका ऑल ब्लैक इंटीरियर है। इसमें एक कलर और आता है, उसे एक राउंड येल्लोइश सा एक इंटीरियर और आता है, उसे भी ले सकते हैं ऑप्शन में। बाकी मुझे तो यार पर्सनली ब्लैक इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेजेंडर वाली से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लैक इंटीरियर। और इसमें 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट दोनों मिल जाती है। चलिए अब इसमें अंदर चलते हैं। इसमें इस साइड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का बटन है, पीछे बूट ओपन करने का, बूट लिड ओपन करने का है, ये फ्यूल लिड ओपन करने का है, बोनट ओपन करने का है। इस तरीके से इसका कुछ इंटीरियर है। इंटीरियर देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है क्योंकि पूरा ऑल ब्लैक कर दिया ना इस बार। और चलो इसके MID ऑन करते हैं, इसे पुश करते हैं। बाकी इस तरीके फॉर्च्यूनर लिखा जाता है इसमें। ये स्पीडोमीटर है, इसमें टैकोमीटर है, ये इस तरफ इसमें टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, इस तरफ इसमें फ्यूल गेज दिया हुआ है। बाकी ये MID है, इसमें MID में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, आप MID के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, इनसे आप इसे चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल पुरानी वाली फॉर्चुनर की तरह है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। बाकी जो मेन चेंज है, जैसे फॉर्चुनर लेजेंडर में बताया था, इंफोटेनमेंट सिस्टम में चेंज है, बाकी इंटीरियर में कलर का चेंज है, और वेंटिलेटेड सीट इसमें भी दे दी गई है। बेस वेरियंट से ही इसमें वेंटिलेटेड सीट दे दी गई है, 4x2 ऑटोमेटिक वाला है, तो इसमें दे वायरलेस चार्जिंग सिस्टम नहीं है। बाकी इसमें और सब कुछ लेजेंडर की तरह इंटीरियर में बिल्कुल सेम है। और इस तरीके का कुछ 6-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिल जाता है,
जहाँ इको नॉर्मल स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं। पहले इसमें सिर्फ इको और स्पोर्ट मोड पावर मोड आते थे सॉरी, और ये और इंजन ऑफ का है, इंजन ऑन ऑफ का है, और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का। बाकी इस तरीके से इसका कुछ इंटीरियर है, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 8 इंच का कर दिया है, एप्पल एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ। बाकी ऊपर ये ऑटोमेटिक दे दिया है, कनेक्टेड फीचर्स इसमें भी दे दिए, और इस तरीके से इसमें ऊपर सनग्लास होल्डर दिया हुआ है, ये भी एलईडी लैंप्स दी हुई है, काफ़ी अच्छा इनका थ्रो है। बाकी सर यहाँ पे मिरर दिया हुआ है विद लैम्प, इस साइड भी मिरर दिया हुआ है विद लैम्प, और सनरूफ दे देते यार, इतनी महंगी कर दी है तो सनरूफ तो देना चाहिए यार, अब टोयोटा को ये चीज़ सोचनी चाहिए। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं इसकी राइट अलाइन में सब में सनरूफ आ रहा है, तो सनरूफ दे देना चाहिए। चलिए अब हम पीछे की बात करते हैं, पीछे क्या क्या है इसमें। बैक साइड में इसमें ऑटो टच, वन टच अप वन टच डाउन दे दिया है, या म्यूजिक यहाँ स्पीकर दे दिया है, यार काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और कोई कलर, एक चिमोई कलर हो रहा है, चिमोई है पता नहीं क्या कलर है, वो अजीब सही है वैसे, क्रीमिश कलर कह सकते हैं उसे, उस कलर में भी इसका इंटीरियर अवेलेबल है, बट बाकी ब्लैक ज़्यादा डोप लग रहा है इसमें। ब्लैक कलर गंदा भी नहीं होता और अच्छा भी काफ़ी लग रहा है। और इस तरीके से इसमें अंदर वो दे दिया है, ये फ़ोन चार्ज 12 वोल्ट का चार्जर दे दिया है, यहाँ पे 4 किलो तक आप लोड लगा सकते, कुछ भी टांग सकते हैं। बाकी इस तरीके से ऊपर एलईडी लाइट्स दे दिए हैं, ये एसी वेंट्स दे दिए हैं, टेम्परेचर कंट्रोल का यहाँ पे ऑटो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल भी है, इसमें ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। और पीछे ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, मतलब ज़्यादा दूर तक के लिए आप एडल्ट को नहीं बैठा सकते, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है। चलिए अब इसके बूट स्पेस में हम जाके देखते हैं क्या बूट स्पेस ऑफर करती है। इस तरीके से है, और पीछे से अच्छी बना दी है, मतलब ये लाइट्स अच्छी लग रही हैं, जो एलईडी लाइट्स है ना ये निकली हुई है पीछे। और इसमें एक पीछे एक फीचर ये भी दे दिया है, अगर आप पैर को इस तरीके से स्वैप करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा बूट, ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। थोड़ा डिले है इसमें बट ठीक है, ये फंक्शन भी दे दिया आपकी बार इसमें फेसलिफ्ट में। और इस तरीके से इसका पावर टेल गेट है पीछे, ठीक है वही 3 4 आप लैपटॉप बैग्स रख सकते हैं उसमें, काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं है। और इसको आप, ये चीज़ बहुत अच्छी है टोयोटा की ना, जो 7 सीटर्स है, कि वन टच मतलब एक ही टच में आप इसे ऊपर कर सकते हैं और बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं, कार्गो स्पेस आपका इसमें बढ़ जाता है। और इस तरीके से इसे डाउन करेंगे और पीछे सीट को ऊपर करके इसे 7 सीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसे बूट को बंद करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए भाई फेसलिफ्ट में क्या क्या है इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया तो उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको फेसलिफ्ट में जो जो फीचर्स इसमें ऐड करें हैं कि आपको पसंद आए हैं या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ डिसलाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर जाएँ कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।